ओ फाइनली गाइस आ चुके हैं भाई सनी देओल के एक और न्यू एपिसोड में वापस। तो भाई आज सनी देओल का भाई बर्थडे है। सबसे पहले भाई विश करना बनता है यार सनी देओल को, हैप्पी बर्थडे भाई मेरी तरफ से सनी देओल को। तो भाई गदर की बात कर लेंगे साथ साथ में, और अब तक की बात करेंगे भाई सनी देओल की करियर की मोस्ट मतलब जिनको अच्छी ठीक ठाक गाइस रेटिंग मिली है IMDb की तरफ से। तो मोस्ट यहाँ पे रेटिंग की बात करेंगे भाई कौन कौन सी इनकी पिक्चर है, और साथ में गदर की बात करेंगे भाई अब तक इसका कितना कलेक्शन है गाइस। बहुत चुका है आज यार 17वां दिन ही चल रहा है शायद, डेट ऑफ 70 चल रहा है ना थर्सडे आज। तो वही जानने के भाई आज कितना नंबर है गाइस वो आ सकता है, टोटल शोज है गाइस वो कितने हैं इसके पास। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे शोज की बात करूँ, गदर 2 की बात करूँ गाइस, उससे पहले जो भाई IMDb की हाईएस्ट रेटिंग वाली पिक्चर है भाई सनी देओल की उन पर नजर है गाइस वो डाल लेते हैं। सबसे पहले तो भाई वॉर्डर है नंबर 1 पे। ओ भाई यार वॉर्डर क्या पिक्चर थी भाई, और अभी इसका सीक्वल भी आ रहा है मेरे भाई, वेट करो। 7.9 की रेटिंग है गाइस इसको मिली थी, और इसने हांसी लगा इस बो की थी, और जिसमें भाई अच्छी खासे यार यहाँ पे स्टार कास्ट भी थी, सनी थे, सुनील शेट्टी भी थे, जैकी श्रॉफ भी थे, अक्षय खन्ना भी थे, भाई क्या स्टार कास्ट थी यार उस टाइम पे, और क्या पिक्चर थी यार। अभी भी कोई इस पिक्चर को देखे ना यार मन नहीं भरता यार, बार बार देखने को मन करता है, और अच्छी खासी भाई इसने रेटिंग भी हासिल की थी। एंड नेक्स्ट गाइस दामिनी 7.8 की रेटिंग, घायल 7.7 की, यार जो यार डिजर्व करती थी उनको मिली भी है। कई सारे ऐसी पिक्चरें भी थी गाइस जो यार इनसे भी बेटर थी यार, उनको रेटिंग किया वो यार टॉप 5-6 में यार उनका नाम भी नहीं है। और गाइस घायल होगी नहीं हुई है, घायल 7.7 की, चुप और डर की 7.6 की, घातक 7.5 की, यार क्या पिक्चर थी यार घातक विद धमाकेदार। एंड गदर जो गदर ये 2 वाली नहीं भाई पहला पार्ट की बात कर रहे हैं, उसको 7.3 की रेटिंग मिली थी भाई। गदर एक ऐसी पिक्चर गाइस जो मतलब सनी देओल का यार करियर ही पूरा उसी ने भाई डिसाइड किया आगे कहां तक जाओगे पीछे जो भी है भाई, और अभी भी गदर ही है जिसने कमबैक करवाया है। एंड नेक्स्ट गाइस अर्जुन 7.2, चालबाज 6.8, बदनाम हो गई 6.7। अच्छी खासी कुछ पिक्चरों को रेटिंग मिली यार, कुछ यार इससे भी बेटर डिजर्व करती थी यार, अच्छी पिक्चरें थी जो कि गाइस नहीं मिली, जैसे गदर 2 का यार अभी नाम नहीं है यार, क्या है ये IMDb क्या चक्कर है भाई, नाम ही नहीं है गदर 2 का। तो गाइस ये थी कुछ पिक्चरें जिनको अच्छी खासी रेटिंग मिली थी भाई, और बात करते हैं अब गदर की भाई, गदर 2 का क्या हाल चल रहा है। देखो भाई गदर का वो मेकर्स की तरफ से भाई ऑफिशियल फिगर नहीं दी अभी तक नहीं दी है, अच्छे खासे नंबर से गाइस वो निकल के सामने आ रहे हैं। जब से वो नेशनल सिनेमा डे आया आने के बाद शोज अच्छे खासे मिलने के बाद शोज गाइस अच्छी अभी भी थिएटर वॉर्नर भाई फुल ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं, अभी भी अच्छे खासे भाई शोज दिए हैं यहाँ पे गदर को। और भाई नेशनल सिनेमा डे के बाद गाइस गदर 2 को बूस्ट मिला है, ऐसा लगता है भाई एनर्जी ड्रिंक यहाँ पे पी है भाई गदर 2 ने, उसके बाद गाइस धमाकेदार थिएटर में दौड़ रही है। डे नंबर 64 30 लाख, शायद डे नंबर 64 को ही वो नेशनल सिनेमा डे दिन हाँ था उस दिन, और 30 लाख का अर्ली एस्टिमेट है, नंबर्स मेकर्स ने नहीं दिए। एंड डे नंबर 65 15 लाख, डे नंबर 66 19 लाख, ये अर्ली एस्टिमेट है। डे नंबर 67 25 लाख, डे नंबर 68 25 लाख, डे नंबर 69 20 लाख, और डे नंबर 70 गाइस आज है भाई, आज जो अर्ली एस्टिमेट है गाइस वो निकल के सामने आ रहा है, लगभग भाई कंपैरिजन यस्टरडे टू टुडे गाइस ड्रॉप होगा, कल 20 लाख के आसपास है, यस गाइस अभी 14 लेके 15 लाख के आसपास दिख रहा है आज का। भाई क्या वो दिन था नेशनल सिनेमा डे से पहले, वो दिन थे यार, मतलब कि 2-2, 4-4, 5-5 लाख के आसपास का नंबर से गाइस वो आ गया था, वो नेशनल सिनेमा डे दिन आया भाई, मूवी को शोज और दिए गए, एंड देने के बाद नंबर्स देखो गाइस सडनली बड़ा जंप है गाइस हमें देखने को मिला, और वो बड़ा जंप गाइस अभी भी गदर ने भाई कंटिन्यू रखा है। कितने यार 500-550 शोज थे है ना नेशनल सिनेमा डे के दिन, और आज पता कितने शोज हैं, जस्ट वेट 400 के आसपास शोज हैं भाई। लियो पिक्चर आई है 3500 शो मिले हैं उसको हिंदी वर्जन में, और 400 शो लेके अभी भी गदर 2 खड़ी है, इसका मतलब कि गदर के भाई शो नहीं छिने गए हैं। हमें पता कि नेशनल मल्टीप्लेक्स में लियो नहीं आई है, और गदर भी हमें पता कि भाई सिंगल स्क्रीन में स्टार्टिंग से यार स्ट्रांग थी, मल्टीप्लेक्स में भी इसको इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, फिर भी गाइस अभी भी थिएटर वोंडो यार ट्रस्ट कर रहे हैं, और क्या चाहिए मेरे भाई किसी को, और क्या चाहिए यार। अगर मैं कल की बात करूँगा इस दिल्ली में यस्टरडे की बात हो रही है, डे नंबर 69 की 27 शोज थे, और 27 शोज में 810 हो गया वो, और ये हाँ 810 फुटफॉल्स आए कल के दिन भाई, दिल्ली में 810 फुटफॉल्स आए यस्टरडे के दिन, और 1 लाख
1994 रुपये का कल क्रशन हुआ दिल्ली से भाई, जो ऑनलाइन ट्रैक करके मिला है। ये नंबर्स आगे पीछे हो सकता है भाई, इसको करेक्ट नहीं समझना। फिर भी गाइस जो मिला है यार थोड़ा ही आगे पीछे होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा, क्या पता ये करेक्ट भी हो सकता है मेरे भाई। और नेक्स्ट गाइस, महाराष्ट्र में 62 शोज और 416 फुटबॉल्स आए हैं और 56,000 का नंबर्स आया कल यस्टरडे का यहाँ पे महाराष्ट्र से भाई, 56,000, वो भी डे नंबर 69। एंड गुजरात 167 शोज थे यस्टरडे को और 1500 फुटबॉल्स आए और 161,200 नंबर सा गाइस वो निकल के सामने आया मेरे भाई। और क्या चाहिए यार किसी को। देखो भाई इसमें थोड़ा वो भी हो सकता है कि जो ब्लॉक सीट्स रहती हैं, ब्लॉक सीट्स ठीक है, उसका फिगर गाइस मैंने ऐड किया है यहाँ पे, हमने जो ट्रैक करके मिला ना वो इसमें भाई ऐड किया है। और जो प्रोड्यूसर फिगर आती है उनको पता रहता है कि भाई ये सीट ब्लॉक ही की गई थी, इसमें कोई आया था बाद में, नहीं आया था, यहाँ पे पैसा कट ऑफ हुआ है नहीं हुआ है, ये भाई उनको पता रहता है। हमारे पास डायरेक्टली फिगर आती है जैसे कोई शोज ओपन होता है, अगर ब्लॉक सीट्स रहती हैं तो नंबर अपने आप आ जाता है, मतलब कि ब्लॉक सीट्स है इसका मतलब नंबर आएगा, ये कुछ सीन है गाइस बताता है। इसका मतलब कि जो ब्लॉक सीट्स है वो क्वेंसी अपना अपने आप चली जाती है, ऊपर खड़ी हो जाती है, तो ये सीन है कुछ। और देखो भाई अभी भी मतलब धमाके था, आकाश ने गाइस वो निकाल रही है। और भाई देखो डे नंबर 64 यानी नेशनल सिनेमा डे के बाद भाई इसने पता कितना क्वेश्चन है गाइस वो निकाल लिया, 75, 49, 50 हो गया 70, मतलब कि 1.5 करोड़ के आसपास नंबर से गाइस वो निकाल लिया, 1.5 करोड़ के आसपास, काफ़ी बढ़िया यार। और लास्ट फिगर जो मेकर्स ने दी थी गाइस 525.55 करोड़, वो ट्रेड फिगर थी, वो ट्रेड नेशनल सिनेमा डे से पहले की थी, डे नंबर 63 तक। एंड उसके बाद भाई ट्रेड भी चुपचाप बैठ गया है, जो कि प्रोड्यूसर आई थिंक 530 के आसपास हो चुकी होगी, जो कि दी नहीं है भाई उन्होंने, अगर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो फिर भी गाइस अच्छी बात है। आज मैंने देखा कि भाई जी ने हैप्पी बर्थडे विश किया, एक छोटी सी क्लिप यहाँ पे उन्होंने डाली है, बट कहीं भी उन्होंने फिगर नहीं दिया यार, सिर्फ सनी देओल का एक पिक्चर फोटो डाला है वो गदर वाला और एक कुछ आगे पीछे एक्सेट्रा, बस उम्मीद थी कि भाई देंगे, नहीं दिए है। बाकी गाइस क्या पता कुछ आज भाई ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो जाए कुछ पिक्चर की, सनी देओल की आज बर्थडे, भाई बर्थडे यार कुछ तो उम्मीद रहती है भाई, साउथ वाले तो बर्थडे के दिन यार अगर 2 साल के बाद भी उनकी पिक्चर आएगी तो भैया वो ग्लिम्स डाल देंगे, टीजर डाल देंगे, हमने यहाँ पे पुष्पा का टाइम देखा था, बट हाँ बॉलीवुड हिंदी में ऐसा सीन नहीं चलता, यहाँ पे काफ़ी कम ही ऐसा देखने को हमें मिलता है। उम्मीद करते हैं कि भाई कुछ नया मूवी के अनाउंसमेंट करेंगे भाई सनी देओल शाम तक, या फिर वाडर 2 का भाई ऑफिशियल क्या पता अनाउंसमेंट कर दे, क्या पता रिलीज डेट भाई यहाँ पे डाल दे उसकी लाहौर 1947 की, देखते हैं फिलहाल गाइस क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिलहाल गाइस अभी कहीं तो इतना ही, एंड आई होप कि भाई सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे भाई हमारी जर्नी काफ़ी बढ़िया रही है डे नंबर 70 तक, गदर 2 का डे वाइज क्वेश्चन देना भाई, डे वाइज तो मैंने डे नंबर 60 के बाद नहीं दिया है, बट उससे पहले यार दिया था, काफ़ी अच्छा लगा यार। एंड अभी वाइज लगभग गदर 2 का आई थिंक टुमारो को गणपत आ रही है, 2-3 मूवीज और भी आ रही हैं, तो कल शायद गाइस शोज हैं वो चले जाएंगे। चलो गाइस होंगे तो फिर अच्छी बात है, सैटरडे संडे का भाई क्लाशन बताएंगे आप सभी को, अगर अच्छे खासे नंबर से गाइस वो निकल के सामने आएंगे। तो फिलहाल गाइस सभी के लिए तो इतना ही, एंड आई होप कि भाई सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब क्या कर रहे हो यार, जल्द करो सब्सक्राइब, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।